पढ़ के भी सुनाइए सबको, जो भी लिखा है आपको, जो भी मिला है, जस्ट अ गेस। सब पढ़ के सुनाइए, बच्चे सुनना चाहते हैं। देखिए भाई, सारे लोग जो है आप अपना प्रोग्राम देखेंगे, कैसे आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब माइक कि ये जो आप लोग ये प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा हमारे सारे टीचर हैं। और एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊँ, क्योंकि और इसमें इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, एक इन्होंने गुलाब के साथ में हमारे बच्चों ने एक इसमें चिट लगाई है, और इनका ये शर्त है कि इसको पढ़ के सुनाना है, ठीक है ना। और उसके बाद में इनकी एक शर्त है कि यहाँ से एक पर्ची उठानी है और इसको खोलना है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि लाइक इसमें डांस भी लिखा हो सकता है, भांगड़ा भी लिखा हो सकता है ना, कुछ सॉन्ग भी लिखा हो सकता है ना। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि हमारे सारे टीचर, आप जान ही रहे हो कि आपके बीच में कितना आपको डांटते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से, है ना। और ये बदले की भावना से मत करिएगा कि यहाँ पर आज जो है तो पहले इसमें मैं जो लिखा हुआ है, वक्त और टीचर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहुत अच्छी लाइन है, वक्त और टीचर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर के सिखाता है। तो बहुत अच्छी लाइन है और ये हमारे बच्चों की तरफ से है। और अब क्या करना है, अच्छा एक अब कोई चीट निकालते हैं, कुछ है ना, किसी में कुछ लिखा हो पहले से देख लेते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़, अरे इसमें दिख रहा है पहले तो एक चीज़ समझिए कि देखो आप लोगों का ये सारा प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया ये भी अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा भी डांस वगैरह इसमें लिखा होगा तो वो मतलब हम लोग नहीं कर पाते हैं। सर जैसा आता है आप हाँ। ऐसा कर दीजिए। चलिए तो देख, शायरी। अच्छा एक चीज, प्रोग्राम शुरू होने के पहले एक बात इन्होंने बताई, हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं इस प्रोग्राम के, जो डायरेक्टर मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि पर्ची उठाना है, पढ़ लेना है और पढ़ के फिर अपने स्थान पे चले जाना है, बैठ जाना है। नहीं सर, कुछ करना नहीं है, कहना है आपको। नहीं, अब हमको शायरी नहीं आती तो फिर क्या करें, हमारी तरफ से फिर आपको बोलना पड़ेगा। सर यू कैन टेक योर टाइम। हमारी तरफ से पारुल हमारी तरफ से हमारी शायरी का जो है आगाज करेंगे। हाँ पारुल, ये माइक लो और फिर मेरी तरफ से आप। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट जो भी याद है वो बोलना चाहूँगी टीचर्स के साइड से है कि वक्त वक्त पे ही झुकना चाहिए, हर वक्त झुकोगे तो लोग पीठ का पावदान बना देते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अभिषेक सर हियर। सो दिस इज फॉर यू सर, प्लीज। अच्छा, सो थैंक यू क्लास, बढ़िया है भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया ये सारा सिस्टम। तो यहाँ पे पहले एक छोटा सा लिखा है, आपने एक मोमबत्ती की तरह जलकर हमारे जीवन को रोशन किया, आपको कोटि कोटि नमन। सो नाउ प्लीज हैव वन चेक। लेकिन एक चीज़, ये सब यहाँ पे एक मिनट मैं बात सुन लो। मतलब 365 दिन तो इंटरटेन करते हैं, आज भी करें सर, आज थोड़ा
ज़्यादा कर दीजिए। सर एक उठाए, सर एक उठानी है। अरे उठा लीजिए सर। डांस नहीं, ये क्या है? आर्म रेसलिंग पंजाब। कौन लड़ाएगा, कौन लड़ाएगा सर के साथ पंजाब? टीचर वर्सेस टीचर। सुनो मेरी बात सुनो, ये पता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो एक एंटरटेन कर रहे हैं, कंपटीशन भी कर रहे हैं। सर टीचर वर्सेस टीचर, कोई भी एक टीचर चुन लीजिए आप। आरपी सर ने शायरी नहीं बोली थी तो सर आर्म रेसलिंग करेंगे। अरे देख देख देख, एक एक कंडीशन और है। मैं कंडीशन लगा, अरे रुको, लेकिन मैं लेफ्टी हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कोई टीचर लेफ्टी है नहीं? यस गो अहेड। सबसे पहले तो ये देखो, एक मिनट, सबसे पहले तो ये देखो, थोड़ा पहलवान तुमको डरना चाहिए था। करेज देखो, डायरेक्ट खड़ी हो गई सर, इसीलिए उसका नाम पहलवान है। नहीं, मेरा नाम ये अजीब सी कॉमेडी है। लेफ्ट हैंड से लड़कियां हमेशा सुप्रीम रही हैं और रहेंगी। सर कुछ सही है, तो भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने ये सब ऑर्गेनाइज किया। तो इस पर लिखा हुआ है, वक्त बदला कई दौर गुजरे, मगर आज भी शिक्षक और शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है। सर अगर डबल आ जाएगी तो चेंज कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी है। ग्रुप डांस ठीक है, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आप लोगों को। और ये बड़ा ही अच्छा अवसर होता है जब आप किसी शिक्षक को सम्मान देते हैं। और शिक्षक दिवस के बारे में मूलभूत बातें आप सभी लोगों को पता ही होंगी। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता, ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। सबको पता है किस वजह से बनाया जाता है भाई शिक्षक? अच्छा ये बताइए, आप सभी लोगों को ये पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए हैं और एक महान शिक्षक भी हुए हैं। ये बताइए कि भारत की पहली महान शिक्षिका किसको कहा जाता है? सबको पता है, इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। गुरु तेरी महिमा का वर्णन कैसे मैं करूं, वर्णन लिखे तो कागज छोटी होए। ठीक है, इसके लिए। अच्छा ये जो मामला है, ये बड़ा ट्रिकी मामला है। ठीक है, अब इसमें आप क्या देंगी? अब डांस के अलावा नहीं किया है, आपको जैसा आता है आप वैसा कर दीजिए। तो ये डांस वाला सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक उपाय बता रहा हूँ। देर है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वाह वाह, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, ये जिस्म की बात नहीं थी, जाना था उसके दिल तक, वाह वाह, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता। वाह 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 वाह। सो नाउ वी वुड लाइक टू कॉल हिमांशु सर, प्लीज गिव अ बिग हैंड। चलिए।
एक तो सबसे पहली चीज़ कि मैं ज़्यादातर बच्चों को जानता नहीं, फिर भी सबने बुलाया तो ये बड़ा अच्छा लगा। और ये पर्ची भी काफ़ी जो है बेहतरीन है। देखिए लिखा क्या है, अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से कभी जीवन जीना हमें सिखाते हैं। तो खैर ये बात तो खैर लगभग लगभग सही है। और ये पर्ची है, अब गाना तो मैं गा नहीं पाऊंगा, गाना मुझे आता नहीं है, ये सॉन्ग वाली है, शायरी सुना देता हूँ। yes, sir, yes, भारत के अंतिम मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, नाम सुना होगा, उनकी एक शायरी है कि उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए और दो इंतजार में। ठीक है, तो मेरा इंतजार खत्म हो गया फिर से। देखो फिर से सुनो, इतनी लंबी नहीं आती, शायरी छोटी होती है। देखो, उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए और दो इंतजार। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल संजय सर। सबसे पहली बात ये है कि इतनी देर में बुलाया, हम बड़ी देर से मतलब सोच रहे थे कि वो जो होता है ना, एक मिनट में 72 धड़कने होती है, वो बढ़ के 80 तक पहुंच गई थी। हम सोचे कहीं ना कुछ तो है। अरे भैया ये आता नहीं। देखो भोजपुरी तो आता ही नहीं, सॉन्ग ही रहेगा, सॉन्ग रहेगा। अरे पहले सुन लो भाई, जब मैं अभी रास्ते से आ रहा था, मतलब ये हर एक टीचर के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि पता लगा लेक्चर लगा है, अब पता लगा उसको लेट हो रहा है, वो आ रहा 10 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, और मतलब अभी भी आ रहा था तो मुझे लेट हो रहा था, तो जैसे लेट होता तो मेरे माइंड में गाना चलने लगता है मोटरसाइकिल पे। वो गाना क्या होता है मतलब बताता हूँ, मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की स्थिति क्या होती है, यहाँ पे जो काउंसलर मैडम बैठी होती वो क्या बोल रही थी, हद हो चुकी है आजा। और इसमें डायरेक्टर से क्या बोलते हैं, जहाँ पे बनी है आजा। और स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मैं फिर सजी है आजा। और हम फिर वहां से बोलते हैं, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी लोगों का, और आप लोगों का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, जो है जैसे कि आप लोगों ने अरेंज किया सब लोगों का सहयोग से, ये बहुत ही अच्छा रहा था। और शिक्षक वो दीपक है जो हमारे जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इसमें इस प्रोग्राम में मुझे कुछ भी नहीं आता है, ना मुझे सिंगिंग आती है, ना ही डांस आता है कुछ भी। वैसे क्या चीज़ है इसमें, आरपी सर की मिक्री थोड़ी सी कर लेंगे, जैसे सर का एक बहुत फेमस डायलॉग कटवा नमस्कार। ये सर इसी काम से आ जाते हैं। बच्चों सभी लोग जुड़िए और सभी को एक साथ कटवा नमस्कार, जैसे कि आप ठीक। सो we are extremely glad to have all of you here in this extraordinary venue of an exciting day full of insight, games and entertainment. It is sure to be a memorable day for each and every one of us. Okay, so now we are calling some of our classmates to perform something for our valuable teachers. So we will first have Soumya Pandey. Guru ki siksha गुरु से मांगे मुझे शिक्षा मिले श्री राम की तरह, बच्चे मांगे गुरुवर हो आपकी तरह, बच्चे मांगे गुरुवर हो आपकी तरह,
गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, भव सागर से तारद सबको शक्ति जगत में कोई नहीं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रंजन तिवारी, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। आप सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम चरण स्पर्श। आज शिक्षा दिवस पर मैं अपने गुरुजनों के लिए कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप सबके सामने। गाना है बहुत बढ़िया, मुझे पसंद है, मैं सुनता रहता हूँ। तो गाना ऐसा है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रंजन। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल प्रतीक, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। आप सभी गुरुओं का बहुत बहुत आभार, और आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत आभार, और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं आजकल थोड़ा परिवार के बारे में सोचता हूँ, तो मैं परिवार के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। अपने परिवार में चिंगारी ना भड़काओ, क्योंकि अब पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। और गांठ अगर लग जाए, रिश्ते हों या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। थैंक यू। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर आर्यन तिवारी। मैं सभी टीचरों के बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे सभी को। सर, सबसे पहले आपके बारे में बोलना चाहूँगा, आपके बारे में। सर आप आते हैं, हम लोग को बहुत समझाते हैं, हम लोग को मतलब सब अच्छे समझाते हैं, लेकिन कई लोग समझ भी जाते हैं, कई लोग भटक भी जाते हैं। नवीन सर के बारे में सर कहना चाहता हूँ, नवीन सर का पढ़ाने का मतलब तरीका जो है वो तरीका बहुत अच्छा लगता है, बड़े इत्मीनान से आराम से पढ़ाते हैं। संजय सर के लिए। संजय सर के बारे में क्या कहूँ, संजय सर तो मतलब जितनी भी बुराइयाँ हैं सब इग्नोर करते रहते हैं। संजय सर बहुत पॉजिटिव आदमी है, हमें हर चीज़ से लिए पॉजिटिव बस थिंकिंग है। अब दुबे सर जैसा फ्रेंडली कोई नहीं है क्लास में, मतलब जितनी भी बातें हैं सब दुबे सर से कह सकते हैं, अगर आपसे कोई नहीं कह सकता दुबे सर सब कह सकते हैं। सो एवरीवन, आई वुड लाइक टू कॉल आवर मेट्स जो कुछ कुछ प्रेजेंट्स लेके आए हैं हमारे टीचर्स के लिए, सो प्लीज़ जो भी सर के लिए जो चीज़ें लेके आए हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर। सो फर्स्टली आरपी सर प्लीज़ कम। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर आरपी सर। नवीन सर प्लीज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर कैन वी हैव यू प्लीज, सर सर प्लीज। संजय सर सर दुबे सर के बिहाफ में एक और गिफ्ट है प्लीज। उल्टा है।
आरपी सर। संजय सर, संजय सर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अनामिका गुप्ता, प्लीज कम। मुझे कुछ याद नहीं आया, थोड़ा सा मिमिक्री करना चाहेंगे सर की। मुझे लगभग सारे सर की एक बार करके। सबसे पहले संजय सर की। संजय सर जो अब पीडीएफ ऑन करते हैं, यूपी पुलिस की हो चुका है उसका एग्जाम, वो दिखाते हैं। ये देखो, ये मैंने एग्जाम दिया था, ये आया है, सेम सेम आया है। देखो डिजिट भी सेम है, डिजिट भी सेम दिखाते हैं, अपना भी पीडीएफ खोल के और बताते हैं। देखो जो मैंने पढ़ाया था वही आएगा, वही पढ़ लो बस, उसमें ही काफ़ी है। और जब कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है मैथ में, तो लास्ट में हमेशा कभी कभी बोलते हैं लास्ट में हमेशा बोलते हैं अंशुमन इसको थोड़ा सा देखना, कोई ट्रिक हो तो लेके आना। फिर बाद में बोले केवल अंशुमन के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और एक दिन सोनू सर हमारे क्लास में आए हुए थे, एक ही दिन आए हुए थे, तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने उस क्लास को। लगभग 40-50 मिनट की क्लास थी, तो सोनू सर ने एक लाइन बोली थी कि मैंने सुना है नवीन सर बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं। तो उनसे पूछिएगा क्या उनके मिसेस से लड़ाई होती है क्या।